हेलो एवरीवन नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का एक बार फिर साशीश गौतम के साथ ट्वेंटी फोर सेवन हमारी यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर एंड टुडेज ट्वेंटी सेकंड ऑफ मार्च एंड आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट न्यूज ऑफ टुडे सेशन ओके एंड गाइज टूडे एम सी क्यू हैव अ लॉट ऑफ न्यूज एंड गाइज एक एक न्यूज़ एंड एक एम सी क्यू बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों को पता है सुबह से सात बजे से सेशन नहीं हो पाया ना आठ बजे ना नौ बजे मैं लगा हुआ था किसी ना किसी तरीके से टेक्निकल ग्लिचेज सारी दूर हो जाए बट हो नहीं पा रही थी सो फाइनली आई डिसाइड कि नहीं यार मेरे भाई कोई और चूज करते हैं तो मैं कहीं और आया हूँ सेशन लेने के लिए ठीक है अब फाइनली सेशन लेते हैं और स्टार्ट करते हैं ओके आपसे गुजारिश रहेगी प्लीज़ आज सेशन को शेयर कर दीजिएगा क्योंकि आज क्लासेस बड़ी जद्दोजहद के बाद हो पा रही हैं इसके बाद जो सेशन होने वाला है बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है वो बारह बजे रहेगा और एक और इम्पॉर्टेंट सेशन आर रिलेटेड जो मैं लेकर आ रहा हूँ फोर है तो प्लीज़ क्लास का शेड्यूल देख लीजिए आप लोग सेवन ए वाला सेशन मैं अभी कॉन्टिन्यू कर रहा हूँ इसके बाद में जो सेशन कॉन्टी करूँगा इट विल बी इट विल बी मेरे भाई क्वेश्चन बैंक ओके ये आपका रहेगा ट्वेल्व पी पे ओके फाइन और इसके बाद जो रहे सेशन रहेगा ये फोर थर्टी रहेगा तो तीनों क्लासेस अपनी ग्यारह बजे हो गई बारह बजे हो गई फोर थर्टी हो गई और जो वॉरियर बैच की क्लास है वो दो से चार रहेगी हमारी तो दो से चार भी जुड़ेंगे फिर उसके बाद साढ़े चार बजे बैक टू बैक सेशंस में जुड़ेंगे ओके एक बार यार फटाफट फटाफट सेशन को शेयर कर दीजिए वटावर सेशन को शेयर कर दीजिए जितना आप लोग मैक्सिमम जहां पर वाट्सएप टेलेग्राम इंस्टा एंड वटवर जो भी आपके सोशल मीडियाज़ हैं जहाँ पर आप लोग हैं मेरे भाई वहाँ पर इसको सेशन को शेयर करना स्टार्ट करना फाइन चलो मैं यार प्लीज़ अपने अपने को हाइड कर रहा हूँ आप लोग थोड़ा कंटेंट फोकस होकर काम करिएगा आज मैं कैमरा ऑफ कर रहा हूँ कॉन्टेंट फोकस होकर काम करते हैं थोड़ा ठीक है चलिए सबसे पहले तो आप लोगों को करना क्या है दोस्त जिन्होंने भी हमारी एप्लीकेशन को इंस्टॉल नहीं किया प्लीज़ ऐप इंस्टॉल कर लीजिए जितनी भी आपको पेड क्लासेस हम लोगों की मिलती हैं चाहे पेड क्लासेस हों चाहे लाइव बैचेस रहें इवन ई बुक्स हैं पीडीएफ हैं सारी की सारी हम लोगों की आपको एप्लीकेशन पे ही अवेलेबल हैं आपको ऐप को इंस्टॉल करना है प्ले स्टोर में जाना है डे ट्वेंटी फोर सेवन एप्लीकेशन लिखना है मेरे दोस्त उसे इंस्टॉल करेंगे एंड देन फिर कुछ किस, किसी भी बैच में इनरोल कराना है तो यू हैव अ वाई कोड वाई वन सिक्स एड ओके यू मस्ट हैव अ वाई वन सिक्स एड कोड इस कोड का इस्तेमाल करेंगे यू विल गेट सेवेंटी एट परसेंट डिस्काउंट फ्रॉम एप्लीकेशन ओके बाकी आज की शानदार लाइन है जीत और हार आपकी सोच पर निर्भर करती है मान लो तो हार होगी ठान लो तो जीत होगी तो आज का सेशन कुछ इसी तरीके से है तो मेरे दोस्त जीतना ही है हारना नहीं है कोई नहीं कितने भी ऑब्स्टेकल आ जाए हमें लगे रहना लगे रहना लगे रहना है ओके लगे रहना है वॉरियर नाइन वाली जो क्लास आप कह रहे थे वो वन से शेड्यूल हो रही है मेरे भाई कल से ओके जो एक्स्ट्रा क्लासेस हैं अब बढ़ते हैं आज के पहले एम की तरफ हम लोगों ने कल पढ़ा था कि एशियन क्रिकेट काउंसिल और उसके प्रेसिडेंट अपॉइंट किए गए सो so गाइस सवाल यहीं पर यह है कि हु इज प्रेसिडेंट ऑफ एशियन क्रिकेट काउंसिल एशिया क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष कौन है हु इज प्रेसिडेंट ऑफ एशिया क्रिकेट काउंसिल ठीक है तो दोस्त आंसर बनेगा यहां पर जय शाह ओके जय शाह हैज बीन अपॉइंटेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ एशियन क्रिकेट काउंसिल अब जरा देखिएगा नारायण प्रधान या के मनी शंकर जोशी रुपया बांदा या रंजीत रात ये इनको कुछ ना कुछ तो अपॉइंट किया गया था देखिए जरा समझते हैं यहां पर एक एक करके समझिएगा जो रंजीत रथ हैं इनको चेयरमैन बनाया गया ऑल इंडिया लिमिटेड का लक्ष्य सेन उत्तराखंड के हैं इन्होंने अभी सिल्वर मेडल जीता था असल में जो वितिद सरन है उनसे ये हार गए थे जर्मन ओपन 2022 रहा था उसमें थाईलैंड के कुंडलावुत वितिद सरन ने उत्तराखंड के लक्ष्य सेन को हराकर गोल्ड मेडल जीता और लक्ष्य सेन को मेरे दोस्त सिल्वर मेडल मिला था एमिलिया कैर ये न्यूजीलैंड से हैं इनको आईसीसी प्लेयर ऑफ़ द मंथ अवार्ड दिया गया मंथ है फैब के लिए. तो ये दोनों आपको याद करके चलने okay? रुपया बांदा फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ जाम्बिया ओके फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ जाम्बिया जाम्बिया रुपया बांदा इनका निधन हो गया के मनी शंकर जोशी फॉर्मर गवर्नर ऑफ आंध्र प्रदेश ये दोनों अबिचिर आपकी ये दोनों पास डबे ओके नारायण प्रधान को वन ऑफ द मोस्ट प्रेस्टिजियस अवार्ड फर्स्ट जी डी बिरला अवार्ड दिया गया साइंटिफिक रिसर्च के लिए शुभनम गिल और ऋतुराज गायकवाड़ की बात करते हैं इनको ब्रांड एम्बेडर बनाया है माई इलेवन सर्कल ने और दोस्त जो श्याम बेनेगल हैं ये ना एक अभी मूवी आ रही है जैसे अभी आप लोग कश्मीर फाइल मूवी देखिए उसी तरीके से एक मूवी आ रही है मुजीब ये जो मुजीब मूवी मुझी है ये एक बायोपिक है शेख रहमान के ऊपर जो बांग्लादेश के फादर ऑफ नेशन है ओके द मेकिंग ऑफ नेशन इसका नाम है मुजीब द मेकिंग ऑफ नेशन और इसके डायरेक्टर का नाम है श्याम बैनेगल. यार ये श्यामल एग्जाम में आपको देखने को मिलते हैं आप लोगों को बताना कश्मीर फाइल के डायरेक्टर का नाम क्या है ओके हु इज द डायरेक्टर ऑफ कश्मीर फाइल नेक्स्ट आगे अगला एक के सीकरी की बात करते हैं इनको हाई पावर्ड कमेटी है एक चारधाम प्रोजेक्ट के ऊपर उसका हेड बनाया गया है बी चंद्रशेखर को एयरफोर्स अकेडमी देखेगा यहां कल हम लोगों ने वी आर चौधरी लिख दिया था बट यहां पर इसको करेक्ट कर लीजिए इंडियन एयरफोर्स एयरफोर्स में जो Academy, उसके कमांडेंट बने वी चंद्रशेखर नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी के चेयरपर्सन बनाएगा अजय भूषण पांडे सोली सौरभ जी लाइफ एंड टाइम्स इस बुक के ऑथर का नाम है अभिनव चंद्र चूड़ इंट्रीम एमडी एंड सीईओ बनाए गए आरबीएल बैंक के राजीव आहूजा तो दोस्तों आपका जितना भी इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट हो सकता है मैंने सारा का सारा यहां पर रिवाइज कर दिया ओके okay? ठीक है यहां पर एक दो तीन चार पांच छह सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह यहां पर हम लोगों ने एक तरीके से फोर्टीन परसेंट न्यूज रहे उनको डिस्कस कर लिया इंक्लूडिंग ये वाला पंद्रह हमारी न्यूज एक तरीके से रिवाइज हो गई केएमसीक्यू से नेक्स्ट अगला सवाल डॉलर या यू कहें थ्री पॉइंट टू लैख करोड़ इन नेक्स्ट फाइव ईयर तो भारत ने किसी देश के साथ अगले पांच वर्षो में फोर्टी टू बिलियन यूएस डॉलर या फिर यू कहें थ्री पॉइंट टू लैख करोड़ का निवेश लक्ष्य निर्धारित किया है तो दोस्त ये इंडिया ने निर्धारित किया था जापान के साथ ओके okay? ये कोलैबोरेशन इंडिया मतलब इंडिया, अभी हाल में हुआ क्या है फोर्टीन इंडिया जापान समिट रहा और ये समिट न्यू दिल्ली में रहा था यहां पर जापान के प्राइम मिनिस्टर फूमियो किसदा आए थे और इन्होंने यहां पर कहा कि हम आने वाले फाइव ईयर में 3.2 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट करेंगे ओके okay, फाइन अब जरा बाकी कंट्री देखेगा एंटीगुआ बारबूडा तुर्कमेनिस्तान उज्बेकिस्तान फिनलैंड क्यों न्यूज में रहे थे जो

फ्रांस के पियर एलेवर और इनको गीता गोपीनाथ की जगह पे आईएमएफ का चीफ इकोनॉमिस्ट बनाया गया था साउथ अफ्रीका के क्रिस मॉरिस इन्होंने रिटायरमेंट ले लिया ऑल फॉर्म्स ऑफ क्रिकेट चिली की गैब्रियल बोरिक ये एवर प्रेसिडेंट बने हैं चिली के एवर प्रेसिडेंट और ऑस्ट्रिया के काल नेहमर हैं इनको नया चांसलर नियुक्त किया गया है तो दोस्तों एक बात समझ लीजिए आज के सेशन में एक दो तीन चार पांच छह सात आठ नौ दस दस और एक ग्यारह ग्यारह एक और पंद्रह छब्बीस न्यूज का हम लोग रिविजन कर चुके हैं 26 न्यूज का रिवीजन कर चुके हैं इट इज जस्ट अ बिगनिंग, ओके इट इज जस्ट अ बिगनिंग। एंड तक सेशन को देखिएगा का, आपको काफी कुछ मिलने जा रहा है ओके नेक्स्ट इंडिया एंड जापान साइंड हाउ मेनी एग्रीमेंट इन एरियाज इंक्लूडिंग साइबर सिक्योरिटी वेस्ट मैन वाटर मैनेजमेंट एंड क्लीन एनर्जी तो किस देश के साथ भारत ने अभी क्लीन एनर्जी वेस्ट वाटर मैनेजमेंट और साइबर सिक्योरिटी के साथ समझौता किया था इस क्षेत्र में समझौता किया तो आंसर है जापान सवाल अब यहां पर यह है कि जो फोर्टीन इंडिया जापान एनुअल समिट नई दिल्ली में रहा इसमें टोटल मिलाकर कितने एग्रीमेंट हुए थे जापान और इंडिया के बीच में तो दोस्तों आंसर बनता है कुल मिलाकर छह एग्रीमेंट रहे थे टोटल मिलाकर यहां पर कितने एग्रीमेंट रहे सिक्स एग्रीमेंट रहे थे अब समझने की जरूरत है यहां पर ये जितने भी मैंने नंबर्स लिखे चाहे दस हो बीस हो चौदह हो तीन हो ये कोई ना कोई किसी ना किसी कारण लिखा गया है यहां हम लोग लिंक करें इंडेक्सेस को इंडेक्स का रिवीजन करेंगे एक करके देखते हैं एनर्जी कंट्री अट्रैक्टिवनेस इंडेक्स में जो इंडिया का रैंक है रिन्यूएबल एनर्जी कंट्री इंडेक्स ये तीसरा है क्यूएस बेस्ट स्टूडेंट सिटीज रैंकिंग में भारत का मुंबई वन जीरो सिक्स पे था बेंगलुरु एक सौ दस पे रहा था ठीक है इसको जरूर याद रखना क्यूएस बेस्ट स्टूडेंट सिटीज रैंकिंग में इंडिया का मुंबई वन जीरो सिक्स बेंगलुरु दोस्त वन वन जीरो सेफ सिटी इंडेक्स में मुंबई फिफ्टी एंड न्यू डेहली फोर्टी एट नंबर पर रहा था न्यू डेहली फिफ्टी ओके न्यू डेहली फोर्टी एट मुंबई फिफ्टी मोस्ट क्वालिटेड सिटी गाजियाबाद इसे काट दीजिए अभी के लिए इस वाले को काट दो हंगर इंडेक्स इंडिया 40 है एंड इंडेक्स की बात करते सेवेंटी तो लॉ इंडेक्स सेवेंटी नाइन हो गया फूड सिक्योरिटी इंडेक्स सेवेंटी फर्स्ट हो गया ग्लोबल पेंशन इंडेक्स फोर्टी हो गया एंड हंगर इंडेक्स इंडिया वन जीरो सौ एक नंबर पर रहा है क्लियर नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अगला देखते हैं ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स इंडिया टेंथ प्लेस पे है ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम इंडेक्स इंडिया ट्वेंटी प्लेस पे ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग रिस्क इंडेक्स इंडिया सेकंड प्लेस पर ग्लोबल यूथ डेवलपमेंट इंडेक्स वन ट्वेंटी सेकंड है इनोवेशन इंडेक्स इंडिया फोर्टी सिक्स ग्लोबल क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स टेंथ प्लेस पर एंड बिजनेस ब्राइबरी रिस्क रैंकिंग में इंडिया एटी सेकंड प्लेस पर रहा है बयासीवें स्थान पर आपको अगर इंडेक्स पढ़ना है इंडेक्स पूरा का पूरा कंप्लीट तो आपको लिखना है इंडेक्स बाय आशीष गौतम यूट्यूब पे ओके आपको मेरे दोस्त वो वीडियो मिलेगा एक घंटे का सेशन है मैंने काफी डिटेल में सारे इंडेक्सेस कराए हैं तो एक दो तीन चार पांच छह सात ठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह और एक पंद्रह मेरे भाई पंद्रह न्यूज का रिवीजन यहां पर और हो गया आपका तो पंद्रह और छब्बीस कितने हो गए दोस्त फोर्टी वन जो कहते हैं ना कि अरे सर न्यू रिवीजन क्यों कराते हो तो उसका देखिए आधार मेरे भाई इकतालीस न्यूज का रिविजन हो चुका है विच कंट्री विल होस्ट एशिया कप टी ट्वेंटी टूर्नामेंट फ्रॉम ट्वेंटी सेवेंथ ऑफ अगस्त से लेकर इलेवेंथ ऑफ सितंबर कौन सा देश 27 अगस्त से 11 सितंबर तक एशिया कप टी ट्वेंटी टूर्नामेंट की मेजबानी करेगा मेरे भाई आंसर बनता है यहाँ पर श्रीलंका ओके? श्रीलंका है जो एशिया कप की मेजबानी दो हजार बाईस का एशिया एशिया कप कप श्रीलंका होस्ट करेगा का कप इसे पाकिस्तान जो विंटर ओलंपिक रहा ये आपका चाइना में रहा था चाइना के वीजिंग में इसका ऑफिशियल मैस्कॉट था श्रीलंका के साथ अभी एक इंडिया की तरफ से किर्च ने किया। नेवी का है किर्च। मनी लॉन्ड्रिंग को लेकर एंड टेरर फाइनेंसिंग को लेकर सेंशन लगाए जाते हैं तो उस ग्रे लिस्ट में पाकिस्तान को तो बरकरार रखा गया इंक्लूड किया गया है यून योल ये -E प्रेसिडेंट बनाए गए साउथ कोरिया के जिसकी कैपिटल सियोल है करेंसी यहां पर वॉन चलती है हंगरी इसकी फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट बनी नोवोक नोवोक ओके एंड हंगरी की कैपिटल है करेंसी यहां चलती है फाइन डन मेरे दोस्तों अब पर सेकंड मिलिट्री जो सैटेलाइट है ये ईरान है ईरान की एक सैटेलाइट है नूर इसने एक और सैटेलाइट अभी लॉन्च कर दी का नाम है नूर टू ईरान की कैपिटल तेहरान है और करेंसी यहां पर तोमन चलती है। पहले इसकी करेंसी रियल होती थी अब तोमन हो गई है यूएसए के टाइगर वुड्स इनको अभी वर्ल्ड गोल्फ हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया वर्ल्ड गोल्फ हॉल ऑफ फेम में यहां पर टाइगर वुड्स को शामिल किया इन ही रॉड मार्स का निधन हो गया जैसे अभी एक एक और रही थी एंड इट वॉज फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया शेन वॉन की शेन वॉन का निधन हो गया था वैसे ही एक रॉड मार्स है वो भी ऑस्ट्रेलिया से है और इनका भी निधन हो गया 2022 का जो एशियन यूथ एंड जूनियर बॉक्सिंग चैंपियनशिप है इसका वेन्यू जॉर्डन रहा था जॉर्डन की कैपिटल अम्मान है करेंसी यहां पर दिनार चलती है ये टी राजा कुमार असल में एक है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स जिसका हेडक्वार्टर फ्रांस के पेरिस में ओके और इसके अभी जो हेड बनाए गए प्रेसिडेंट बनाए गए टी राजा कुमार को बनाया गया एंड ही इज फ्रॉम सिंगापुर सिंगापुर की कैपिटल सिंगापुर सिटी करेंसी यहां डॉलर है अभी यार दोस्त हुआ क्या है जो योग है ना योग मेरे दोस्त उसको यहां पर जो अर्जेंटीना है उसकी पुलिस का कहना है कि हम लोग इतने भी अपने पुलिस पर्सनल हैं उनकी स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए जो योग है उसकी टेक्निक का इस्तेमाल करेंगे अर्जेंटीना की कैपिटल ब्यूनोजायर से करेंसी यहां पर पीसो चलती है ओके ब्यूनोजायर कैपिटल करेंसी यहां पीसो चलती है नेक्स्ट आगे यूलिमर रोजास बैटर्ड हिज ओन ट्रिपल जंप वर्ल्ड रिकॉर्ड अभी हुआ कहता है कि जो यूलिमर रोजास है, इन्होंने में जो है उसमें स्वर्ण पदक जीता था इन्होंने मीटर की के साथ अपना ही जो महिला ट्रिपल जंप का उसको ब्रेक कर दिया था। सवाल यह है कि मोहतरमा ये, तो ये जो महिला है यूलिमर फ्रॉम विच कंट्री दोस्तों बताइए सोचिए दो दिन से मैं इतना मेहनत करके कंटेंट प्रिपेयर कर रहा हूं और दो दिन ये टेक्निकल ग्लिच हो रहे हैं कल का कंटेंट भी हम लोगों ने बेस्ट कंटेंट डिलीवर था आज का कंटेंट भी एक नंबर है आई होप यार कल से सारी टेक्निकल ग्लिचेस है ये सारी की सारी रिजॉल्व हो जाए ये एक भी ऑब्स्टेकल ना फेस करना पड़े बट कमिटमेंट है मेरे दोस्त अगर नहीं हुआ यहां से तो मैं गुड़गांव वापस जाऊंगा वहीं से क्लास लेके वहीं से करूंगा ओके तो ये आंसर बनता वैनुजुला वेनुजुला की कैपिटल है काराकस काराकस करेंसी या वॉलीबर चलती है वॉलीबर या मुद्रा चलती है अब जरा फिर देखिएगा कुछ देश न्यूज में रहे जैसे जापान जापान के साथ एक बायलेटरल स्वैप अरेंजमेंट हुआ है यह सेवेंटी फाइव बिलियन यूएस डॉलर का है बांग्लादेश की है बांग्लादेश के साथ मतलब या यु कहें बांग्लादेश के जुनैद कुमार अहमद असल में वर्ल्ड बैंक ग्रुप की बात करते हैं इसके टोटल पांच भाग हैं उसमें से एक है मीगा मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी और ये जो मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी है इसके जो वाइस प्रेसिडेंट ऑपरेशन बनाए गए ये जुनैद कुमार अहमद और ये बांग्लादेश से हैं बांग्लादेश की कैपिटल ढाका है करेंसी टका है जापान की कैपिटल टोक्यो करेंसी येन है ऑस्ट्रेलिया की शेनवो ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल कैनबरा करेंसी डॉलर है अब ये कंपनी है इसका नाम है फोक्स ओके फॉक्स और ये जो फॉक्स वैगन है फॉक्स वैगन इंडिया बोलिए इसको तो दोस्त इसकी जो अभी चेयरमैन इनका नाम है okay, नाम है क्रिश्चियन क्रिश्चियन शैलेक ओके ये याद रखना क्रिश्चियन सैंक ट्वेल्थ आईसीसी वीमेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप कहां पर हो रहा है न्यूजीलैंड होस्ट कर रहा है अभी एक रैंकिंग आई थी इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स उसमें इंडिया फोर्टी थर्ड प्लेस पे रहा था इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स में और ये जो इंडेक्स है इसको टॉप किया था यूएसए ने टॉप पर रहा यूनाइटेड किंगडम सेकंड प्लेस पे, जर्मनी थर्ड है, है यहां पर लिंक तो है आगरा एक शहर है जो कि उत्तर प्रदेश का है मेरे दोस्त उसमें उन्नीसवा एडिशन रहा था इंडिया यूएस मिलिट्री कोऑपरेशन ग्रुप का इंडिया यूएस मिलिट्री कोऑपरेशन ग्रुप का क्लियर है दोस्तों भाई कॉन्टेंट पसंद आ रहा प्लीज लाइक जरूर करते चलिएगा एक बार सेशन को शेयर भी कर दीजिए वेस्टइंडीज न्यूज में रहा था सोनी रामादीन का निधन हो गया वॉज अ लीजेंडरी स्पिनर यार ओके फ्रॉम वेस्टइंडीज इनका नाम याद रखना आपको वर्ल्ड का जो लॉन्गेस्ट कार्गो एयरक्राफ्ट इसका नाम है एंथोनो एन An. आपको पता है ना यूए रशिया और यूक्रेन के बीच में वॉर चल रहा है तो ऐसे में रशिया ने जो वर्ल्ड का लार्जेस्ट कार्गो एयरक्राफ्ट है उसको डिस्ट्रॉय कर दिया इसका नाम है एंतो नोव ए एन टू टू फाइव अब एक ऑपरेशन गंगा चलाया गया था जितने भी इंडियन है जो यूक्रेन में फंसे हुए थे उनको वापस लाने के लिए ये इस प्रकार के क्वेश्चन बन जाते हैं अच्छा अफगानिस्तान में भी एक ऑपरेशन चलाया गया था जब अफगानिस्तान में जो तालिबान है उसने होल्ड पूरा कर लिया था अफगानिस्तान को तो उस दौरान वहां पर भी जितने भी इंडियंस थे उनको वापस लाने के लिए ऑपरेशन रन हुआ था उस ऑपरेशन का नाम क्या है स्पेन के राफेल नडाल के okay? और इन्होंने ब्रिटेन के कैमरून नूरी को हराकर मैक्सिकन ओपन टाइटल अपने नाम किया इंडिया और फ्रांस के बीच में एक joint, एक एग्रीमेंट हुआ है कि इंडिया का का डीआरडीओ डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन और फ्रांस का सैफरेन इन दोनों के बीच में तो डीआरडीओ और सैफरेन ने कहा है कि हम दोनों साथ में मिलकर इंडिया में जो एयरक्राफ्ट बनेंगे उसके लिए एक इंजन तैयार करेंगे उस इंजन का नाम है वन ट्वेंटी के एन तो वन ट्वेंटी के एन इंजन बनाने के लिए डीआरडीओ और सेफ्रॉन के बीच में कोलाबोरेशन रहा था डीआरडीओ इंडिया का हो गया सैफरन जो है ये फ्रांस का है मलेशिया के टिम किम हर और इंडिया का फर्स्ट बैडमिंटन डबल कोच बनाए इंडिया का बैडमिंटन डबल कोच बनाएगा एशियन गेम्स तक के एशियन गेम, गेम बाइस वाला जो एशियन गेम है वो आपका चाइना के चाइना में रहेगा छब्बीस वाला एशियन गेम जापान में रहेगा ओके फिर तीस वाला एशियन गेम यह कतर में रहेगा और दो वाला ये सऊदी अरब में रहने वाला है ठीक है इस तरीके से याद करके चलिएगा डन

सिर्फ आज के लिए इसको मैंने रिशेड्यूल किया है इलेवन पी एम पे okay? इसके बाद ट्वेल्व पी एम एक और सेक्शन है इट इज अ क्वेश्चन बैंक सेशन एंड फिर उसके बाद फोर थर्टी एक सेशन है चार तीस पे है ठीक है चलिए अब आगे बढ़ते हैं यहां पर जरा एक बार देखते हैं एक मार्च की बात करते हैं कौन कौन से डे किस किस डे ऑब्जर्व किए जाते हैं तो जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे शून्य दे, भेदभाव दिवस एक मार्च को मार्च को आता वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे विश्व वन्यजीव दिवस तीन मार्च को एक और डे आता वर्ल्ड हियरिंग डे विश्व श्रवण दिवस चार मार्च को एक और डे आता नेशनल सेफ्टी डे राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस एक से सात मार्च तक डे आता है जन औषधि वीक और फिर सात मार्च को मनाते हैं हम लोग जन औषधि दिवस ओके आठ मार्च को एक डे मनाया जाता है इंटरनेशनल वीमेंस डे अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस दस मार्च को सीआईएसएफ का फिफ्टी थर्ड रेजिंग डे रहा था और दस मार्च को ही वर्ल्ड किडनी डे रहा असल में दस मार्च को ही क्यों वर्ल्ड किडनी डे रहा इलेवन एम ले मेरे भाई इलेवन ए ए एम कर दिया ठीक है

आरबीआई ग्रेड बी के लिए जा रहे हैं ओके आरबीआई ग्रेड बी के लिए उनके लिए बैंक महापैक प्लस है आरबीआई ग्रेड बी का बैच आ चुका है ये कंप्लीट फेज वन और फेज टू का बैच है बट बहुत सारे एस्पायरेंट होंगे जिनको टेस्ट सीरीज ई e बुक्स में भी इनरोल कराना होगा या इवन आरबीआई ग्रेड बी के अलावा नावार्ड से भी सिडबी इन सभी की तैयारी करनी होगी तो आप लोगों के पास यहाँ पर ऑप्शन है वाई वन सिक्स एट कोड लगाइए इस बैंक महापैक प्लस में एनरोल कराइएगा बैंक बैंक प्लस में में आपका आरबीआई ग्रेड भी है Bank में नहीं है नहीं ओके आपके पास सारे बैचेस हैं जो बाईस को टारगेट कर रहे हैं उनके पास जो बाईस, अब देखना समझना जो बैंक फाउंडेशन चाहते हैं कि सर हमें बैंकर बनना है और हमें हर हालत में बैंक का एग्जाम क्रैक करना है तो आपके लिए बनता है यहां पर बैंक फाउंडेशन ये क्लासेस जो कि रनिंग में है एक बैंक फाउंडेशन स्टार्ट होने वाला है मेरे दोस्त ये रहा आप दोनों में से किसी में भी एनरोल करा सकते हैं आपको इसके लिए करना क्या है यू मस्ट हैव अड्डा है

ये वॉरियर वन बैच क्या है कंप्लीट फाइनेंशियल अवेयरनेस का बैच है आज ही इसकी दो से चार में क्लास होने वाली है और दोस्त पहली क्लास होगी नाबार्ड एंड पीएसएल की तो इसको स्किप मत कर देना आज फर्स्ट क्लास है नाबार्ड एंड पीएसएल की इसमें जरूर जुड़िएगा एप्लीकेशन से ही क्लास मिलेगी ओके यहां पर बाकी दूसरा मेरा करंट अफेयर्स का बैच बच फर्स्ट ऑफ अप्रैल से स्टार्ट हो रहा है कंप्लीट करंट अफेयर्स बैच है कंप्लीट करंट अफेयर्स बैच मंथली करंट अफेयर्स बैच ओके ये सब आपको मिलेंगे बैंक महापैक में या बैंक महापैक प्लस में आप चाहे बैंक महापैक लीजिए बैंक महापैक प्लस आपको मेरे सारे बैचेस आपको मिलने जा रहे हैं बस अंतर ये रहेगा यहां पर जो एग्जाम एडिशनल आपके कवर होंगे वो सिडबी है नाबार्ड है सेबी है मेरे दोस्त ठीक है ये जितनी भी रेगुलेटरी बॉडी आरबीआई है जितनी भी रेगुलेटरी बॉडी वो आपको एडिशनल यहां पर देखने को मिलेगा बाकी सभी के लिए कोड लगेगा आपका वाई वन सिक्स एड और टेस्ट सीरीज या ई बुक्स में एनरोल कराना है तो कोड है ओके अब बढ़ते हैं आज की पहली और इंपॉर्टेंट न्यूज की तरफ ध्यान से सुनिएगा ट मिलिटरी एक्सरसाइज लैमितेड दो हजार बाईस विटवीन इंडियन आर्मी एंड सेशल्स डिफेंस फोर्सेस इज बीन कंडक्टेड एट दी सेशल डिफेंस अकेडमी सेशल्स फ्रॉम ट्वेंटी सेकंड ऑफ मार्च टू रेडी फर्स्ट ऑफ मार्च सिंपल यहां पर इंडिया और सेशल्स के बीच में एक एक्सरसाइज हो रही है इसका नाम है लैमित्ते ओके okay? और इसका कौन सा एडिशन है एडिशन है और ये कहां पर एक्सरसाइज हो रही है सेशल्स में, सेशल्स में में डिफेंस एकेडमी बस और कुछ ही आपको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है सेशल्स की कैपिटल विक्टोरिया है करेंसी रुपी है और प्रेजेंट का नाम है वाविल वाविल रामल कम राम राम कलावन कलावन ओके प्लीज इनका नाम जरूर याद रखेगा कि राष्ट्रपति कौन है वाविल राम कलावन है करेंसी रूपी हो गई कैपिटल विक्टोरिया हो गई आप देख सकते हैं एक आईलैंड नेशन है सेशल्स आपको दिख रहा होगा इंडिया के रिस्पेक्ट में इसकी लोकेशन भी आई होप आपके क्लियर होगी नेक्स्ट देखिएगा बोर्न आर्किटेक्ट, ओके फासो में जन्मे वास्तुकार आर्किटेक्ट इनका नाम है डी ए बैडो डी ए बैडो फ्रांसिस कैरे एंड ही हैज बीन अवॉर्डेड विद नोबेल प्राइज ऑफ आर्किटेक्चर ओ माई गॉड आर्किटेक्चर में कब से नोबेल प्राइज मिलने लग गया असल में आर्किटेक्चर का नोबेल प्राइज कहा जाता है

ये किस कैटेगरी में दिया है मतलब किस क्षेत्र में दिया जाए वो क्लियर हो गया दूसरा फर्स्ट अफ्रीकन कौन बने जिनको दिया गया है इनका नाम है बैडो, फ्रांसिस कैरे और ये बुरकेना फासू से बुरकेना फासो की कैपिटल है ओगा डुगू और करेंसी यहां पर फ्रैंक चलती है ओके कैपिटल इज ओगा डुगू करेंसी यहां पर क्या चलती है मेरे भाई फ्रैंक चलती है ओके जरा ध्यान से आगे देखना इस अवार्ड के बारे में चर्चा करते हैं ये जो अवार्ड है ये हर साल दिया जाता है जो भी लिविंग आर्किटेक्ट होते हैं उनको सम्मानित किया जाता है 1979 में इस अवार्ड को प्रिजगर प्राइज को फाउंड किया गया था जे ए प्रिजगर के द्वारा और उनकी वाइफ किंडी के द्वारा और ये जो अवार्ड है इसको फंड करता है प्रिजगर फैमिली और स्पॉन्सर करने का काम है स्पॉन्सर फंडेड बाय प्रिजगर फैमिली और 1979 में जे ए प्रिजगर उनके द्वारा और उनकी पत्नी के द्वारा इसको मेरे दोस्त फाउंड किया गया था इसमें वन लाख यूएस डॉलर का प्राइस मिलता है बीवी डोसी ये दो हजार अठारह में सम्मानित तो होने वाले फर्स्ट इंडियन आर्किटेक्चर थे ओके 1979 में पहली दफा जो अवार्ड दिया दिया गया था, वो फ्लिप को दिया गया था था वो जॉनसन को जो कि यूनाइटेड स्टेट के हैं तो यहां पर मैंने फर्स्ट भी लिंक कर दिया जो इंडियन फर्स्ट है वो भी लिंक कर दिया कैश प्राइज इसमें कितना मिला वो कब इसने किसने फाउंड किया कौन इसको मेरे दोस्त फंड कर रहा है वो सारी चीजें क्लियर है और मेरे भाई प्रिस्गर आर्किटेक्चर प्राइस आई वो पूरा क्लियर होगा ठीक है नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अगला टाटा कंसल्टेंसी टीसीएस टाटा सी सर्विसेज़ हैज कंसल्टेंसी सर्विसमेंट ऑफ राजेश गोपीनाथन कौन राजेश गोपीनाथन एज एम डी एंड सीईओ तो टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज ने किसको अपना प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्य अधिकारी नियुक्त किया राजेश गोप राजेश गोपीनाथन को अब जरा टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज को पढ़ेंगे टाटा का टीसीएस इसको फाउंड किया था फर्स्ट ऑफ अप्रैल 1968 को ओके सिक्स अप्रैल अड़सठ को चेयरमैन का नाम है नटराजन चंद्रशेखर रीअपॉइंट हुआ, है इनका, हुआ ही, और हेडक्वार्टर जो लोकेटेड है महाराष्ट्र के मुंबई में सिचुएटेड ओके okay, महाराष्ट्र के मुंबई में नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इनका नाम क्या है

सो प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर का नाम बताइए बहुत बढ़िया के विजय राघवन के विजय राघवन वेल्डन मेरे दोस्त के विजय राघवन ये नाम याद रखना के विजय राघवन फाइन नेक्स्ट आगे शंकर प्रसाद शर्मा हैज बीन अपॉइंटेड न्यू नेपाल एनवॉय टू इंडिया तो शंकर प्रसाद शर्मा को भारत में नेपाल का नया राजदूत नियुक्त किया गया है असल में नेपाल की कैपिटल काठमांडू है करेंसी यहां रुपी चलती है नेपाल की प्रेसिडेंट का नाम विद्या देवी भंडारी है और प्राइम मिनिस्टर का नाम शेर बहादुर दुबा है शेर बहादुर दुबा नेपाल के साथ भारत की एक्सरसाइज होती है इसका नाम है सूर्य किरण ओके okay? सूर्य किरण यह नाम भी आपको याद रखना है ओके okay? एक्सरसाइज कौन सी मेरे दोस्त सूर्य किरण डन

इसका हेडक्वार्टर बेल्जियम के ब्रुसेल्स में है इसके सेक्रेटरी जनरल का नाम है जेन्स स्टोलनबर्ग अब ये किसी देश के किसी कंट्री के सेंट्रल बैंक के गवर्नर भी बनाए गए हैं ओके मेंबरशिप तो कुल मिलाकर तीस देश इसके मेंबर हैं ओके क्या ये करंट यूपीएससी के लिए बेटा या बैंक हो एसएससी हो रेलवे हो किसी भी एग्जाम की बात करें स्टेट पीसीएस और यूपीएससी सभी के लिए मोस्ट सेशन है इसको स्किप मत करिए डेली मॉर्निंग सेशन में जुड़िए आज ही सेशन से एम हो रहा है अदरवाइज हम लोग मंडे टू संडे सुबह सात बजे जुड़ते हैं और डेली दोस्त कॉन्टेंट इंग्लिश हिंदी दोनों में मिलता है आप लोगों ने देख लिया प्योर रेडीमेड कॉन्टेंट है आपको कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं एक एक चीज मैं यहां पर आपके लिए लिख कर लेकर आ रहा हूं और सबकी पीडीएफ भी आपको अवेलेबल करा रहा हूं ओके okay? नेक्स्ट दोस्तों वर्ल्ड पोएट्री डे इज ऑब्जर्व ऑन थर्टी ट्वेंटी फर्स्ट ऑफ मार्च तो विश्व कविता दिवस 21 मार्च को मनाया जाता है अब यार दोस्तों बस एक लाइन में याद रख लेना कि वर्ल्ड पोएट्री डे हम लोग कब मनाते हैं वैसे मैं तुम लोगों के साथ जितने भी डे है ना वो सारे के सारे डिस्कस करूंगा क्योंकि ये एक इकलौता डे है जहां पर सबसे ज्यादा डे हम लोग डिस्कस करते हैं एनी आइडिया की और कौन कौन से इक्कीस तारीख को डे ऑब्जर्व किए जाते हैं ट्वेंटी ऑफ मार्च को कौन कौन से डे ऑब्जर्व किए जाते हैं और आज कौन सा डे है एनी आइडिया बहुत बढ़िया दोस्तों देखिएगा हम लोग 20 मार्च से उठा लेते हैं 20, 21 और 22 ट्वेंटी मार्च को डे रहा था हमारा इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस और इसी दिन आता है एक फ्रेंच लैंग्वेज डे ओके फ्रेंच लैंग्वेज डे दूसरा ट्वेंटी फर्स्ट ऑफ मार्च को रहा इंटरनेशनल डे फॉर एलिमिनेशन ऑफ फॉर दी एलिमिनेशन ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन ओके रेशियल डिसक्रिमिनेशन इंटरनेशनल डे फॉर एलिमिनेशन ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन इसी दिन एक और डे आता है ट्वेंटी फर्स्ट को ही वर्ल्ड पोएट्री डे ओके विश्व कविता दिवस यूनेस्को इसे सेलिब्रेट कर रहा वर्ल्ड पोएट्री डे इसी दिन एक और डे ऑब्जर्व किया जाता है इंटरनेशनल डे ऑफ नॉरोज इंटरनेशनल डे ऑफ नोरोज इसी दिन एक और डे सेलिब्रेट किया जाता है वर्ल्ड डाउन सिंड्रोम डे वर्ल्ड डाउन सिंड्रोम डे ओके इसी दिन एक और डे मेरे भाई इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट समझ में आ ट्वेंटी फर्स्ट को ही कितने सारे डे आ गए हमारे तो इस साल ट्वेंटी फर्स्ट को कौन कौन से डे हैं ट्वेंटी फर्स्ट को इंटरनेशनल डे फॉर द एलिमिनेशन ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन पहला ये हो गया दूसरा वर्ल्ड पोएट्री डे तीसरा इंटरनेशनल डे ऑफ नॉरोज हो गया चौथा वर्ल्ड डाउन सिंड्रोम डे हो गया पांचवा इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट हो गया ओके तो एक दो तीन चार पांच और आज ट्वेंटी सेकेंड और आज जो डे मनाया जा रहा है इट इज वर्ल्ड वाटर डे ओके इट इज वर्ल्ड वाटर डे आई होप यार क्लियर होगा तो आपके यहां पर आज एक दो तीन चार पांच छह न्यूज हमारी एक तरीके से कवर हो गई छह डे हमारे यहां पर कवर हो गए फाइन और आज ही हम लोगों का बिहार दिवस भी है वेल well डन दोस्त बिहार दिवस भी है ठीक है बिहार दिवस ये बता सकते हो बिहार दिवस कौन से नंबर का है एग्जामिनर यहां से भी क्वेश्चन पूछता है कि पर्टिकुलर स्टेट का दिवस पूछ लेगा मतलब फाउंडेशन डे पूछ लेगा बिहार दिवस कौन सा है दो हजार बाईस ग्यारहवा है सोवा है दसवा सो है, दस है। ये आपको ढूंढ के बताना है मेरे को ओके okay? चलिए आगे बढ़ते नेक्स्ट यार दोस्त फॉर्मर इंडिया क्रिकेटर क्रिकेटर सुरेश रैना सुरेश रैना हैज बीन अवार्डेड विद मोस्ट वन ऑफ द स्पोर्ट्स आइकन अवार्ड मतलब सिंपल नॉट मोस्ट वन ऑफ द मोस्ट प्रेस्टीजियस हम लोग सिंपल बोलते हैं तो मालदीव्स स्पोर्ट्स अवार्ड 2022 की बात करते हैं इससे

अनाउंस पहले हो गए थे यहां से एग्जाम में बैक टू बैक क्वेश्चन भी आ रहा है पहले भी मैं पढ़ा चुका हूं अगर आपको डिटेल में पढ़ना है तो आपको पद्मा अवार्ड लिखना है पद्मा अवार्ड 2022 बाय आशीष गौतम आप टॉप पर लिखेंगे मेरे भाई सर्च में आ जाएगा आशीष गौतम पद्म आशीष टॉप मिल जाएगा ओके अब जरा देखना इस बार पद्म विभूषण अवार्ड से किनको सम्मानित किया प्रभा को किया था जो कि आर्ट क्षेत्र से हैं महाराष्ट्र स्टेट है ये तीन मरणोपरांत किए गए राधेश्याम खेम का यही आपका दो दिन पहले एग्जाम का क्वेश्चन है ये लिटरेचर और एजुकेशन क्षेत्र से है उत्तर प्रदेश विपिन रावत साहब सिविल सर्विसेज क्षेत्र से उत्तराखंड ओके okay, कल्याण सिंह साहब पब्लिक अफेयर उत्तर प्रदेश तो कल्याण सिंह विपिन रावत राधेशम खेन का इनको मरणोपरांत पोस्ट ह्यूमसली दिया गया और प्रभा अत्रे को इनको दोस्त अभी आठ के क्षेत्र में सम्मानित किया गया प्लीज क्षेत्र जरूर याद रखेगा एरिया जरूर याद रखेगा नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं प्रसार भारती प्रसार भारती हैज साइंड मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विद ऑस्ट्रेलिया पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टर स्पेशल ब्रॉडकास्टिंग सर्विसेज़ मतलब प्रसार भारती का कोलेबोरेशन रहा है एसबीएस के साथ एस बी एस का एक पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टर है जैसे प्रसार भारती इंडिया का पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टर है ओके ठीक है और वैसे ही एस बी एस आपका कहा का है मेरे भाई ऑस्ट्रेलिया का तो इन दोनों के बीच में ब्रॉडकास्टिंग के क्षेत्र में कोऑपरेशन के लिए एक समझौता रहा था अब प्रसार भारती की बात करें ट्वेंटी थर्ड ऑफ नवंबर नाइनटीन नाइनटी सेवन को इसका फॉर्मेशन रहा हेडक्वार्टर का न्यू डेहली में लोकेटेड है इन सीयू का नाम है शशि शेखर वेम्पति शशि शेखर वेम्पति ठीक है क्लियर है दोस्तों यार दोस्तों सेशन को शेयर कर दीजिए यार कितनी ऑब्स्टेकल के बाद भी सेशन हो रहा है छुट्टी नहीं डाला हूं मैं एक बार सेशन को शेयर करना तो बनता है नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं इन महाराष्ट्र

जनवरी उन्नीस को थर्ड ऑफ जनवरी फोर को बार की स्थापना हुई थी प्रॉम्बे मुंबई मुंबई महाराष्ट्र का है और अजीत कुमार मोहंती कैपिटल मुंबई है गवर्नर का नाम मुख्यमंत्री का नाम उद्धव ठाकरे है और गवर्नर यहां के भगत सिंह कोशियारी ओके भगत सिंह कोशियारी गुगामल नवेगांव तडोबा चंदौली चंदौली गुगामल नवेगांव तडोबा ये नेशनल पार्क हो गए कोयना तनसा मलवान फंसाद गोदाजरी ओके तनसा मलवान फंसाद गोदाजरी वाइल्ड लाइफ हो गई जो आपके महाराष्ट्र में है लावनी इज अ फेमस डांस फॉर्म ऑफ महाराष्ट्र ओके महाराष्ट्र का फेमस डांस फॉर्म कौन सा है लावनी है क्लियर चलो नेक्स्ट आगे देखना अब यार दोस्तों एक प्रोग्राम में आपको पढ़ाने जा रहा हूं इट इज नव भारत लिटरेसी प्रोग्राम जिसको आप बोलते हैं नव भारत साक्षरता कार्यक्रम या न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम तो यूनियन ऑफ इंडिया ओके यहां पर एक केंद्र के द्वारा स्पॉन्सर स्कीम है इसको लॉन्च किया है इसका नाम है न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम जिसका उद्देश्य क्या है कि जो भी राज्य और जो केंद्र शासित प्रदेश हैं जितने भी स्टेट या यूनियन टेरिटरीज़ हैं वहां पर लिटरेसी को प्रमोट करने के लिए इस प्रोग्राम को लॉन्च किया इसका नाम है एनआईएल पी तो ऐसे लोग जो कि नॉन इलिटरेट हैं जिनकी उम्र पंद्रह वर्ष या उससे ज्यादा है तो ऐसा एज ग्रुप जिनकी उम्र पंद्रह वर्ष या उससे ज्यादा और जो कि नॉन इलिटरेट हैं जो कि साक्षर नहीं है उनको लिटरेसी के तहत लाने के लिए या यह उनको साक्षरता देने के लिए एक न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम लॉन्च किया है ये जो न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम लॉन्च किया है इसमें कहा है हम लोग पांच करोड़ नॉन लिटरेट जो है उनको कवर करने जा रहे हैं 2022-23 से लेकर 2026-27 तक तो कंप्लीट तो ईयर भी यहां पर बोल दिया है कि 2022-23 से दो 27 तक जो पांच करोड़ नॉन लिटरेट है उनको हम लोग यहाँ पर कवर करेंगे और उम्र बोलिए यहां पर पंद्रह वर्ष है उससे ज्यादा के व्यक्तियों को यहां पर कवर किया जाएगा और प्रोग्राम का नाम है एन आई एल पी न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम ये जो स्कीम इस है इसके तहत जो फाइनेंशियल आउटले रखा इट इज वन जीरो, जीरो करोड़ लगभग यहां पर एक हजार अड़तीस करोड़ रुपए इसके लिए रखे हैं जिसमें कि केंद्र सरकार का जो हिस्सा है वो सात सौ करोड़ रुपए का है और राज्य सरकार का हिस्सा जितना भी रेस्ट बचता है तीन या फिर थ्री करोड़ रुपए राज्य सरकार का रहेगा इस स्कीम के तहत कहा कि फाइव कंपोनेंट जिसमें कि एक फाउंडेशनल लिटरेसी न्यूमरेसी क्रिटिकल लाइफ स्किल वोकेशनल स्किल डेवलपमेंट बेसिक एजुकेशन कॉन्टिन्यूंग एजुकेशन ये सारे चीजें यहाँ पर शामिल हैं ठीक है एके? डन क्लियर है भाइयों एक बार सेशन को शेयर कर दीजिए फटाफट से अच्छा अच्छा शेयर द सेशन मोनिका मैम भी आ गई कह रहा भाभी भी आ गई वाह वाह मतलब तुम्हें कंटेंट से ज्यादा तुम्हें भाभी दिख रही है अपनी है वाह भाई वाह क्या बात है अति सुंदर है नमस्ते मैडम है बहुत बढ़िया नमस्ते मैडम कमेंट में आने के लिए आप भी लाइक कर दीजिए एक बार सेशन को ठीक है हमारी तरफ से भी नमस्ते कबूल कर लीजिए सेशन पसंद आ रहा है तो प्लीज आप भी घर परिवार में शेयर कर दीजिएगा ओके चलिए आगे बढ़ते हैं यार दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज ऑफ दिस सेशन प्लीज इसको ध्यान से समझिएगा ठीक है नेक्स्ट आगे अब यार ये वाला इंपॉर्टेंट है मेरे लिए एक और न्यूज एक पैरालंपियन है इसका नाम है धर्मवीर ओके अभी ये क्या करने जा रहे हैं कि इंडियन टीम है जिसमें टोटल मिलाकर ट्वेंटी नाइन मेंबर हैं और उन उस टीम को यहां पर पैरोल्पियन धर्मवीर लीड करने जा रहे हैं असल में जो थर्टींथ फाजा इंटरनेशनल चैंपियनशिप वर्ल्ड पैरा एथलेटिक ग्रैंड प्री है ये दुबई में होगा और वहां पर धर्मपीर जो है वो इंडिया को लीड करेंगे बस आपको इतना याद रखना है ठीक है अब यार दोस्त इसमें और आगे क्या चीजें जब इवेंट रन होगा तभी हमारे समझ में आएगा फाइन नेक्स्ट अब यार ये जापान वाला चाहिए तो पुराना एक पेज आ गया कॉपी हो गया कोई दिक्कत नहीं कल वाला इसे छोड़िए नेक्स्ट पुष्कर सिंह धामी ये चीफ मिनिस्टर बने रहेंगे उत्तराखंड के इनको बदला नहीं जा रहा उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी रहेंगे उत्तराखंड की दो कैपिटल कैपिटल है यहाँ पर एक एक यहां पर भरई सेन ये समर है, और देहरादून दो से विंटर कैपिटल ओके और गवर्नर का नाम गुरमीत सिंह है ठीक है ये जरूर याद रखना गवर्नर कौन है गुरमीत सिंह प्रमोद सावंत की बात करते हैं ये गोवा के मुख्यमंत्री बने रहेंगे ये भी याद रखेंगे ओके अब यहां पर सेम वही यार एक सेकंड रुकना मिनट बस गोवा की बात करें कैपिटल पंजी है पीएस श्रीधरन पिल्लई यहां के गवर्नर है फाइन अब वही पांच देश हम लोग रिपीट करेंगे यहां पर सर्बिया देखो यही ट्रिपल सी रूल याद करना है इस रूल के अलावा हम लोग और कोई रूल फॉलो नहीं करेंगे तभी हमें याद रहेगा ठीक है इसको अभी जरा यार होल्ड करना क्योंकि गैरसेन हम लोगों ने पढ़ा था यहाँ पर समर कैपिटल ठीक है गैरसेन पढ़ा था बट मैं देख लूंगा क्या इसका नाम ही चेंज कर दिया गया है कि क्या है ठीक है मे भी हो सकता है गैरसेन है बट गैरसेन ही पढ़ा था मे बी क्या है बट ये नाम चेंज होकर इसको देख लेंगे क्रॉस वेरीफाई कर लेंगे सर्बिया कैपिटल बेलग्रेड करेंसी दिनार सेशल्स कैपिटल विक्टोरिया करेंसी रूपी न्यूज में भी था सीरिया लियोन फ्री टाउन कैपिटल करेंसी लियोन स्लोवाकिया स्लोवाकेराटिस लवा एंड स्लोवेनिया एल जुबलजाना यूरो झारखंड की कैपिटल रांची मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने गवर्नर रमेश बैस है कर्नाटक बेंगलुरु कैपिटल बसमराजे बुमई मुख्यमंत्री थावरचंद गहलोत गवर्नर मध्य प्रदेश भोपाल कैपिटल शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री गवर्नर मंगू भाई सिंह पटेल है मिजोरम कैपिटल आइजोल है मुख्यमंत्री जोरम था हरिबाबू कंबलपति गवर्नर है त्रिपुरा कैपिटल अगरतला है विप्लब कुमार देव मुख्यमंत्री सत्यदेव नारायण आर्य यहाँ के गवर्नर है आई होप यार गाइज यहां तक क्लियर होगा अब कुछ चीजें आप ध्यान रखेंगे इसके बाद बारह बजे वाले सेशन में आप जुड़िए तुरंत की तुरंत उसमें आपको जनवरी का क्वेश्चन बैंक दूंगा मेरे दोस्त कैसे आपको चीजें वो अवेलेबल रहेंगी वो सारी चीजों के लिए आप जरूर जुड़ेगा इसके तुरंत बाद ही सेशन होने वाला है ओके एक बात समझिए आपको कुछ बेसिक बेसिक चीजें याद रखनी है आपके पास मेरे दोस्त अड्डा ट्वेंटी फोर सेवन एप्लीकेशन होना मैंडेटरी है इसमें आपको क्विज के अलावा बहुत सारी चीजें मिलती हैं लाइक like हमारी सारी लाइव क्लासेस पीडीएफ जितनी भी लाइव सेशन अभी हो रहे हैं इन सबकी पीडीएफ भी आपको यहीं पर एप्लीकेशन में मिलती है एप्लीकेशन के साथ साथ आपको अड्डा चैनल सब्सक्राइब करना है अब जब ये अभी अभी जब जाएं तो दोस्त चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा उसमें है क्या जब आप नोटिफिकेशन बैल पर प्रेस करते हैं तो आपको मेरी क्लास का मैसेज पिंग हो जाएगा आपके पास तुरंत तुरंत नोटिफिकेशन आ जाएगा कि हाँ यार आशीष भाई की क्लास शुरू होने वाली वैसे तो सुबह सात बजे मेरी क्लास होती है ठीक है आपको पता होना चाहिए सुबह सात बजे आप नोटिफिकेशन आए या ना आए आपको तो आना ऐसा तो, तो नहीं घर के लिए रोज जीपीएस लगाते हो आप लोग आपको घर पता है तो आप पहुंच ही जाते हो ना तो वैसे ही सुबह सात बजे डेली आपको जुड़ना है और बारह बजे यूट्यूब पर डेली मेरा भाई जुड़ना है ओके इसके अलावा तीसरी और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो जनरल अवेयरनेस को कंप्लीट करना चाहते हैं दो तो हजार एग्जाम के लिए उनको मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आपके पास मेरा वॉरियर बैच होना मैंडेटरी है आपके पास बैंक महापैक है तो सबसे बेस्ट है वॉरियर 1.0 पॉइंट जीरो बैच में इनरोल कराए किसी भी बैच में कराने के लिए आपको कोड याद रखना है दोस्त इट इज वाई ओके और अगर टेस्ट सीरीज में इनरोल कराना है या फिर मॉक में, में या फिर मेरे भाई प्रिंटेड बुक्स ई बुक्स चाहिए देन कोड इज ओके क्लियर है बाकी आरबीआई ग्रेड बी का बैच आ चुका है वो मैं आपको स्टोर पर एक बार दिखा देता हूं यहां पर एक बार मैं आपको स्टोर पर ही ले चलता हूं ठीक है ये हमारी वेबसाइट है अब आप अडे ट्वेंटी फोर सेवन वेबसाइट पर जाएंगे ऐप या वेबसाइट कहीं पर भी जाके अन करा सकते हैं लाइव क्लासेस में गए अब लाइव क्लासेस के में जाने के बाद बैंक वहां पर किसान मेंबरशिप ये मेंबरशिप है महीने बारह महीने की अब आप बारह महीने के लिए बैंक महापैक में एनरोल कराएंगे आपको सभी फैकल्टी के तो सभी बैचेस मिलेंगे ये समझ लो ऑल बैंक एग्जाम कवर है प्री मेंस डिस्क्रिप्टिव इंटरव्यू टेस्ट सीरीज सब कुछ तो कवर है इसमें इस बात में तो आपको टेंशन नहीं लेना कि सर कौन कौन से एग्जाम कवर है सारे बैंक एग्जाम सारे इंश्योरेंस एग्जाम का प्री मेंस डिस्क्रिप्टिव इंटरव्यू सब कुछ कवर फिर आपको टेंशन ही नहीं लेना ई बुक्स कवर है यहाँ पर प्रिंटेड बुक्स के अलावा ई बुक्स कवर है यहाँ पर टेस्ट सीरीज भी कवर है ऑल लाइव क्लासेस होंगी सारी की रिकॉर्डिंग मिलेगी पीडीएफ भी मिलेगी आपको यहाँ पर स्पोकन इंग्लिश भी मिलेगा इंटरव्यू मिलेगा व्यू ऑफर में जाएंगे

देखिए आरबीआई ग्रेड भी अलग से बैच आ रखा है ठीक है ये आप अलग से भी ले सकते हैं ई एस आई सी एस एसओ का बैच भी आ रखा है ये आप अलग से बैच ले सकते हैं लेकिन बैंक महापेक प्लस लेंगे तो आपको आरबीआई ग्रेड भी नाबार्ड से बी स्पेशलिस्ट ऑफिसर सब कुछ मिलेगा बैंक महापेक और महापेक प्लस में क्या अंतर है इस पर फोकस करना अंतर सिर्फ इतना है इतने एग्जाम और एडिशनल कवर होंगे सेबी ग्रेड ए नाबार्ड ग्रेड ए और बी सेबी ग्रेड ए आरबीआई ग्रेड बी और एसओ एग्जाम ये सारे आपके कवर होंगे इसमें भी सेम ऑप्शन है सिक्स मंथ या ट्वेल्थ मंथ अब फॉर एग्जाम्पल आप बारह महीने के लिए तो कम से कम लेंगे कोई भी मेरे भाई बैच तो ये कंप्लीट मेंबरशिप है वही वाई वन सिक्स एट कोड लगाया आपको यहां पर डिस्काउंट मिलेगा दोस्त यहां पर कूपन कोड लगा आपने वाई वन सिक्स एट जैसे ही कोड लगाएंगे आप अप्लाई पे जाना आप अप्लाई करेंगे आपको पड़ेगा सेवन थाउजेंड का यहां से एप्लीकेशन से लेंगे मैंने बोला फिर ऐप पे जाएंगे वाई वन सिक्स एट कोड लगाएंगे कॉइन का ऑप्शन आएगा आपको वहां पर एक परसेंट और एडिशनल डिस्काउंट मिल जाएगा ये और बैंक महापैक में सिर्फ इतना अंतर है एंड के एग्जाम और एडिशनल कवर है बाकी सेम है सब कुछ कोई दिक्कत नहीं है ओके okay? बाकी एक चीज और दिखा देता हूं आरबीआई ग्रेड बी के लिए जो है यहां पर कंप्लीट बेचेरा बाकी ये ई जो जो ये ईएसआईसी एस आई सी ये बैंक महापैक में इंक्लूडेड है मंथली करंट अफेयर्स मेरे सारे बैचेस बैंक महापैक में इंक्लूडेड है बैंक महापैक प्लस में क्या है वो आर ग्रेड भी नाबार्ड और से भी बाकी सभी फैकल्टी के सभी बैचेस मिलते हैं जिनको सिर्फ वॉरियर में एनरोल कराना है वो जरा देखना ये रहा मेरा वॉरियर बैच 1.0 ये आपका स्टार्ट हो चुका है रनिंग में चल रहा है आज इसकी क्लास होने वाली है जो ग्रेड बी को भी फोकस कर रहा है वो इसी बैच को लीजिएगा रीजन उसमें क्योंकि यहां से आप अगर कोर्स कंप्लीट करते हैं तो लमसम सात से जैसे एक अप्रैल से बैच स्टार्ट है इस बैच से आपकी कम से कम बारह चौदह क्लासेस पहली कंप्लीट हो जाएंगी आप उसे रिकॉर्डेड मोड में देख के कंप्लीट कर सकते हैं वो सारी लाइव ही रही है कोई अंतर आपको ज्यादा देखने को नहीं मिलेगा ओके डन क्लियर है भाइयों आई होप यार सारी चीज़ आपके क्लियर रही होंगी बाकी किसी भी तरीके का कोई डाउट है तो आप मेरे को बता सकते कमेंट करके कि सर दिस इज माय डाउट एंड दोस्त उसको भी हम लोग विद इन अ डे कोशिश करेंगे कि रिजॉल्व कर दें फाइन बाकी आप कहीं भी सर्च कर लीजिएगा आशीष गौतम आपको मिल जाएगा और आप मेरे को पर्सनल भी मैसेज कर सकते कि सर आई दिस दिस डाउट प्लीज़ उसको रिजॉल्व कर दिए वो भी हम लोग रिजॉल्व कर लेंगे ओके और कोई डाउट है आपका वॉरियर बैच के लिए क्या करना है वॉरियर बैच में ज्वाइन करना है उसके लिए आप ऐप पे जाइए वेब पे जाइए लाइव क्लासेस में जाकर आपको वॉरियर बैच सेलेक्ट करना है जैसे वॉरियर बैच सेलेक्ट करेंगे उसमें आपको वाई वन सिक्स एट कोड लगाना है मेरे भाई आपको मिल जाएगा वॉरियर बैच आप उसमें एनरोल करा सकते हैं इसके तुरंत बाद ही सेशन है मेरा क्वेश्चन बैंक का भी एस बी एक्लग वाला सेशन मैं कराऊंगा मेरे दोस्त इसी वीक में हम लोग कंप्लीट करेंगे उसको ओके चलिए बाय बाय टेक केयर राजे राजे दोस्तों